बसां च सफर करन वाले लोकां लई अहम खबर सांझी कर रहे हैं। दस दे कि पंजाब च अज नहीं होवेगा रोडवेज दा चक्का जाम। दरअसल पीआरटीसी ते पनबस ने हड़ताल दा जो फैसला लिया सीगा वो टाल दिता है। रोडवेज मुलाजमा दी सरकार नाल मीटिंग तय हो गई है ते उस तो बाद पीआरटीसी ते पनबस ने हड़ताल दा अपना जो फैसला सीगा वो टाल दिता है। दस दे कि 6 दिसंबर नूं ट्रांसपोर्ट मंत्री नाल बैठक जो है वो फिक्स हो गई है। किलोमीटर स्कीम तहत नवीं बसा चलाउन दा विरोध कर रहे ने रोडवेज दे मुलाजम। फिलहाल 6 दिसंबर तक किलोमीटर स्कीम तहत नवीं बसा नहीं चलेंगे। आम लोगों लई वड्डी खबर है, राहत वाली इसकी खबर कह सकने हैं कि पंजाब च अज नहीं होवेगा रोडवेज का चक्का जाम। अगर चक्का जाम होता है, बसा नहीं चलदियां हैं तो आम जो पब्लिक है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करती है, उसमें खज्जल खुआरी का सामना करना पड़ता है। आम लोगों लई राहत वाली खबर है कि जो पीआरटीसी ते पनबस ने हड़ताल का अपना फैसला है वो टाल लिया है। दस के रोडवेज मुलाजमान की सरकार के नाल जो मीटिंग है वो फिक्स हो गई है। जो ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं लालजी सिंह भुल्लर, उन्होंने मीटिंग फिक्स हुई है, तय हुई है। दस दें कि 6 दिसंबर नूं ट्रांसपोर्ट मंत्री बैठक करेंगे इन्हां मुलाजमान दे नाल। किलोमीटर स्कीम तहत नवीं बसा चलाउन दा विरोध दरअसल इन्हां रोडवेज दे मुलाजमान दे वल्लों कीता जा रहा है। फिलहाल 6 दिसंबर तक किलोमीटर स्कीम तहत नवीं बसा नहीं चलाईया जाणगियां। आम लोगों लई राहत वाली खबर है कि जो इन्हां दे वल्लों हड़ताल दा ऐलान किया गया सीगा वह हाल फिलहाल टाल दित्ती गई। बसां सफर करने वाले लोगों लई अहम खबर तुहानू नाल सांझी कर रहे। आम लोगों लई राहत वाली खबर है कि पीआरटीसी ते पनबस दे मुलाजमान दे वल्लों हाल फिलहाल जो हड़ताल का फैसला लिया गया सीगा वो टाल दिता गया है। दरअसल 6 दिसंबर ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजी सिंह भुल्लर दे नाल इन्हां मुलाजमान दी रोडवेज दे मुलाजमान दी मीटिंग तय हुई।